फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज ही उसे कुछ प्रोडक्ट परचेज किए थे, जो वेस्टर्न टाइप के कुछ प्रोडक्ट परचेज किए थे, जो भी उसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, मेरा एक्सपीरियंस किस तरह रहा है आज ही उसे, तो वो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसके लिंक नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देख लेना। उसमें मैंने कुछ टी शर्ट, शर्ट, वैसे कुछ वेस्टर्न टाइप के टॉप्स कुछ होते हैं उस टाइप के मैंने कुछ परचेज किए थे, और आज ही में किस तरह से प्रोडक्ट आते, किस तरह से उसकी क्वालिटी, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था फ्रेंड्स। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा तो नीचे उसके लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देख लेना। और इस बार मैंने आजियो से परचेज किया है कुछ कुर्तियां। आजियो में किस तरह की कुर्तियां आती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, घेर वाली, वो सभी मैंने कुर्तियां कुछ परचेज किए हैं, जो कुछ पार्टी वेयर हैं, कुछ सिंपल टाइप की हैं, जो आप रेगुलर में वेयर कर सकते हैं उस टाइप की है, कुछ एम्ब्रॉयडरी कुर्तियां हैं उस टाइप की मैंने कुछ कुर्तियां परचेज की है। तो मैं एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी फ्रेंड्स, क्योंकि आजियो में मैंने कभी ऐसी कुर्तियां परचेज नहीं की थी, तो आज उसका हॉल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इस टाइप की है। तो सभी की कुर्ती की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, अगर आपको चेकआउट करना है, कोई भी कुर्ती अच्छी लगती है तो आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। इस टाइप की है, नेक टाइप की, यहाँ फ्रंट में नेक है और यहाँ ब्लू टाइप की स्ट्रैप्स दिया है उन्होंने, और स्लीवलेस पाइप में है इस टाइप की, और फ्रंट में कुछ इस टाइप की है, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन किया है कलर का। और ये पूरी थोड़ा सा फ्रंट में यहाँ तक थोड़ा सा गेयर है और नीचे से यहाँ उन्होंने कट दिया है, तो स्ट्रेट टाइप का लुक देती है। और यहाँ छोटी छोटी सी इस टाइप की आप देख सकते हो, साइनिंग वाले इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी किया है, और बीच बीच में इसके टाइप की साइनिंग वाला थोड़ा सा लुक दिया है इस टाइप का। सिंपल एंड सॉबर है, आप ऑफिस वेयर, कॉलेज में वेयर कर सकते हो। इसका फैब्रिक कम्फर्टेबल है, कॉटन फैब्रिक है, और उसकी स्लीव्स उन्होंने अटैच किया है। अगर आपको स्लीवलेस बाय पहनना पसंद नहीं करते तो उसकी स्लीव भी उन्होंने दिया है, आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की रेड कलर की आती है, पूरी प्लेन स्लीव्स होगी, हाफ स्लीव्स हैं, और साइड में उन्होंने पॉकेट भी दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप के साइड में पॉकेट भी आती है इस कुर्ती में, इस टाइप की। इतनी कम रेंज में उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती की, और उसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल, स्मूथ है, जैसे कि कॉटन, प्योर कॉटन है, लेकिन एकदम से ठंडा वाला थोड़ा सा फैब्रिक है, वेयर करने के बाद बहुत अच्छे से कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, उस टाइप की उसकी कुर्ती की क्वालिटी है। और जो प्रिंट है, जो कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है, आफ्टर वॉश के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उस टाइप की है, और पॉकेट भी है। ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर में आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो उस टाइम वेयर कर सकते हो, इस टाइप की कुर्ती है, और अच्छा सा लुक भी दे रही है। आप देख सकते हो रेड एंड ब्लू का कलर का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा सा लग रहा है। और ये भी प्राइस में आपको साइड में डाल दूंगी, आप लोग देख लें कितने प्राइस में आई थी, और सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, अगर आपको अच्छा लगे चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वेयर करके दिखा रही हूं। एम्ब्रॉयडरी वाली है, उसका राउंड नेक है, उसके स्लीव्स फुल हैं, और यहाँ उस टाइप की दिया है उन्होंने लुक, ब्यूटीफुल इस टाइप की है, जो सिल्वर टाइप की उन्होंने स्ट्रैप्स रखे हैं इस टाइप के साइनिंग वाले, और यहाँ उन्होंने छोटे छोटे इस टाइप के धागे से उन्होंने बनाया हुआ है, देख सकते हो डिफरेंट टाइप का उसका लुक दे दिया, यहाँ उन्होंने कट दिया है स्लीव्स में, तो डिफरेंट टाइप की स्लीव्स बनाई है, और यहाँ फ्रंट में इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी आती है, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी अच्छी है, कलर का जो कॉम्बिनेशन किया है एम्ब्रॉयडरी में वो भी अच्छा किया है, उन्होंने लेस दिया है तो आप टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो, और यहाँ छोटे छोटे मिरर डाले हैं उन्होंने बीच में, बहुत कम रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम कुर्तियां परचेज की थी, पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, और यहाँ नीचे से उन्होंने इस टाइप के सिल्वर के बॉर्डर दिए, तो अच्छे से लग रही है। और उस कुर्ती की फैब्रिक के बारे में बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन फैब्रिक, 100% कॉटन फैब्रिक है, और कुर्ती की जो क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, वैसे एम्ब्रॉयडरी की धागे भी बहुत अच्छे से क्वालिटी के किए, बिल्कुल ऐसे निकले बिकले नहीं है, छोटे छोटे मिरर डाले, इतनी कम रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो अच्छी बात है। और यहाँ लेस भी उन्होंने दिया है, यहाँ टेसल भी आते हैं, और इतनी कम रेंज वाली है, मैं साइड में इसकी पिक डाल दूंगी, डिस्काउंट प्राइस आप देख लेना, जब भी आप कूपन अप्लाई करते हो तो डिस्काउंट में आपको मिल जाती है ये प्राइस में, तो इस टाइप की है, मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाए किस तरह की लगती है।
इस टाइप की है, यहाँ उसका नेक कुछ इस टाइप का है, छोटा सा वी नेक दिया है उन्होंने और फ्रंट में इस टाइप के कपड़े के बटन डाले हैं और नीचे से कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की है नीचे से पूरा प्रिंट कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देती है, पूरा अनारकली टाइप का लुक देती है और नीचे से घेर वाली है, यहाँ साइड में उन्होंने पॉकेट दिया है इस टाइप का, यहाँ साइड में उन्होंने पॉकेट भी दिया है, तो सभी कुर्तियों में ऐसे पॉकेट आते तो अच्छी लगती है कुर्तियां। और उसकी स्लीव्स भी उन्होंने दिए हैं, स्लीवलेस पैंट भी नहीं है, उसकी स्लीव्स उन्होंने अंदर दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी स्लीव्स इस टाइप की ब्लू वाली आती है, ये तो पॉकेट है फ्रेंड्स, इस टाइप की ब्लू वाली स्लीव्स आती है और स्लीवलेस में आपको अच्छी लगती है स्लीवलेस भी पहन सकती हूँ, अगर आपको स्लीवलेस पैंट पहनना अच्छा नहीं लगता है तो आपको उसकी स्लीव्स आती है पूरी प्लेन ब्लू है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप की कुर्ती लगती है, पूरी घेर वाली है। फ्रंट वाली के प्रिंट की क्वालिटी में थोड़ी सी डल लगी, बाकी नीचे की प्रिंट है वो बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। जो मुझे ये कुर्ती थोड़ी सी पसंद नहीं आई, फैब्रिक तो कॉटन है, एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल आपको ऐसा परेशान नहीं होगी कि आप जब वेयर करोगे तो एकदम कंफर्टेबल लगो, इस टाइप की इसकी क्वालिटी है फैब्रिक की, तो मैं आपको वेयर करके दिखाई तो आपको आइडिया किस तरह से लगती है। फ्रेंड्स आजियो से मैंने कुछ इतनी कुर्तियां परचेज की थी, जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा अच्छा रहा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा माइनस थोड़ा सी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि ये जो कुर्ती थी उसका जो प्रिंट अलग आया, जो फ्रंट वाला प्रिंट और नीचे का प्रिंट थोड़ा सा अलग आया, डिफरेंट लगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कुर्ती पसंद नहीं है, बाकी दोनों कुर्तियां बहुत अच्छी थी और सभी का फैब्रिक मुझे अच्छा लगा। वैसे भी आजियो में मोस्ट ऑफ जो भी प्रोडक्ट परचेज करती है, जो भी कुर्ती है, जो भी क्लोथिंग आइटम परचेज करती है कॉटन फैब्रिक होती है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और आजियो की वैसे भी आजियो के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट आजियो के प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, वेस्टर्न प्रोडक्ट भी अच्छे लगे थे और इंडो वेस्टर्न जैसे कि कुर्तियां वुर्तियां वो भी मुझे अच्छे लगे, तो मेरा आजियो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल बटन उसको भी क्लिक कर देना, तो सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली को हमारे चैनल को शेयर कर देना। और तीनों कुर्तियों में आपको कौन सी कुर्ती अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।